हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। ये वीडियो पार्ट 3 है जिसमें मैं स्किजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 कि स्किजोफ्रेनिया क्यों होता है और पार्ट 2 के स्किजोफ्रेनिया को कैसे पहचाने, इनके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए। अगर नहीं देखे तो पहले वो देख लें। अब हम बात करते हैं कि स्किजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि स्किजोफ्रेनिया तो हमें जो है पूर्वज परेशान कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है, हमारे देवी देवता का कोई चक्कर है इसलिए हो रहा है, या हमारे कोई ऊपरी हवा का चक्कर है, या हम किसी से शादी करवा देंगे तब स्किजोफ्रेनिया जो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब अवधारणा है। स्किजोफ्रेनिया एक तरह का मानसिक रोग है। जिस तरीके से दूसरे शारीरिक रोग होते हैं उसी तरीके से मानसिक रोग भी होते हैं। जैसे शारीरिक रोगों का ट्रीटमेंट होता है उसी तरीके से मानसिक रोगों का भी इलाज होता है। स्किजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयों से जो है वो अवेलेबल है। जो मेडिसिन स्किजोफ्रेनिया के अंदर चलती है हम उनको एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कहते हैं। पहले जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स थी, अब न्यूवर्स एंटीसाइकोटिक्स। कन्वेंशनल मतलब जो पहले एंटीसाइकोटिक चलती थी जिनके साइड इफेक्ट अभी की दवाइयों की तुलना में ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी पिछले 20 साल से अलग तरह की दवाएं आ गई है जिनको हम न्यूवर्स एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट पहले की तुलना में कम है। तो ये एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशन हम एक बार मरीज की बीमारी को कंफर्म करने के बाद में स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं, अगर दवाई का असर नहीं आता है तो हमको डोज बढ़ाना पड़ता है। इन दवाई के साथ साथ में हमको कभी कभी अगर मरीज को नींद नहीं आ रही होती है तो हम नींद की गोली भी ऐड कर देते हैं, फिर ये दवाई हम लगातार देते हैं। इन दवाइयों से असर आने में कम से कम 3 से 4 सप्ताह लगते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि मानसिक रोग कोई भी हो, इनमें दवाई से असर आने में समय लगता है, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है शुरू के 15 दिन 1 महीने तक कि इन दवाइयों का असर आए, फिर मरीज ठीक होने लग जाता है। जैसे ही मरीज ठीक होने लग जाता है तो अगर इस मरीज को अगर पहली बार ये स्किजोफ्रेनिया की तकलीफ हुई है तो हम ये दवाई 6 महीने से 1 साल तक चलाते हैं और फिर धीरे धीरे करके ये दवाइयाँ बंद कर देते हैं। और लगभग 30% लोगों को ये बीमारी दोबारा कभी नहीं, लेकिन बचे हुए 60-70% लोगों को ये बीमारी वापस हो सकती है। तो जब ये बीमारी दोबारा होती है या तिबारा होती है तो ऐसे मरीजों में हमको दवाई लंबे समय तक देनी पड़ती है। लंबे समय तक का मतलब ये है कि एक बार मरीज ठीक तो हो जाता है लेकिन वापस ना हो ये बीमारी, इसलिए हमको वो दवाई चलाते रहने पड़ता है। जैसे डायबिटीज में होता है, जैसे डायबिटीज की दवाई चालू होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, हार्ट के मरीजों को है, थायराइड की है, जो दवाई चालू होती है फिर वो चलती रहती है लंबे समय तक। इसी तरीके से हमको भी दोबारा मरीज को स्किजोफ्रेनिया के लक्षण ना आए या बीमारी ना हो इसलिए हमको वो मेडिसिन थोड़े लंबे समय तक देनी पड़ती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि इन दवाइयों की लत पड़ जाती है, लेकिन मैं कहता हूं कि देखो इन दवाई की लत नहीं पड़ती, लेकिन इन दवाइयों की आपके शरीर को जरूरत है इसलिए वो मेडिसिन चलाए रखनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दवाइयों की लत पड़ गई। जैसे आपको थायराइड की बाहर से सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से आपको एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ती है अगर स्किजोफ्रेनिया है तो। स्किजोफ्रेनिया की बीमारी का इलाज जो है शुरुआत में तो दवाइयों से होता है, फिर दवाइयाँ और साइकोथेरेपी के साथ साथ में ट्रीटमेंट आगे बढ़ता रहता है। शुरुआत में तो क्या है कि मरीज को ये पता नहीं होता है कि मेरे को किसी तरह की बीमारी है या नहीं है, उनको दवाई देना भी बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आदमी सोचता समझता जो है वो दिमाग से है, और अगर उसी के अंदर भी बीमारी हो जाए तो इंसान कैसे सोचेगा समझेगा, अपने भले बुरे का ध्यान नहीं रहता। इसलिए शुरुआत में मरीज को हमें समझाना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है और उनको बताना पड़ता है कि आपको कोई मानसिक समस्या है और उनकी दवाई चालू करनी पड़ती है। और जब एक बार दवाइयाँ शुरू हो जाती तो पेशेंट उनको रेगुलर लेने लग जाता है। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि स्किजोफ्रेनिया के मरीज के साथ में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप मरीज के साथ इस तरीके से व्यवहार करो जैसे कि वो कभी बीमार रहा ही नहीं। बीमार रहने से पहले जिस तरीके से आप उसको काम बताते थे, जिस तरीके से आप उसकी सहायता करते थे, उसी तरीके का व्यवहार आप जो है बीमार होने के बाद में भी रखिए। बीमार होने की वजह से उसको अलग से एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, ना तो आपको उनकी ज़्यादा केयर करनी है, ना उसको आप ज़्यादा क्रिटिसाइज करना है, ना आपको उनके साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। नॉर्मल रूटीन में जिस तरीके से आप पहले रहते थे उसी तरीके से आपको मरीज के साथ बाद में भी रहना चाहिए।
आपको उनको घर का जो काम करा सकते हैं वो काम कराएं, आप उनको एक्सरसाइज के अंदर, योगा प्राणायाम के अंदर एंगेज रखें, आप घर के बाहर के कामों में उनको आप एंगेज रखें, आप पेशेंट को पूरी तरीके से मोटिवेट करें कि वो अपने खुद का नहाना धोना खाना पीना वो रोज नियमित रूप से करता रहे, समय पे सोए समय पे उठे, इस तरीके का पूरा ध्यान रखना चाहिए पेशेंट्स का।